हाँ, अब सुनिए, अब मैं बताने जा रहा हूं आज आप लोगों को लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। थोड़ा आज ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें देखेंगे, सब बच्चे इस पर बिल्कुल ध्यान दें। लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, इसकी लेंथ देखेंगे। आइए, क्या मतलब होता है कैलकुलस के अंदर लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, आइए इसकी बात करते हैं। सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखें। कंसिडर करते हैं एक कर्व, ये मान लीजिए हमने एक कर्व ले लिया। कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, सिर्फ सुनना है। कर्व के एक कर्व ले लिया, कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। कर्व के ऊपर एक पॉइंट है P, कर्व के ऊपर एक पॉइंट P ले लिया, ये लीजिए, कर्व के ऊपर एक पॉइंट P ले लिया। P पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट ने, P पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट ने जहां x एक्सिस को काटा PT, यही कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट, यही कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट PT। P पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट ने जहां पर x एक्सिस को काटा वो कहलाती है PT लेंथ, कहलाती है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब सुने ध्यान से, इसी P पॉइंट पर हमने नॉर्मल खींची, नॉर्मल खींची, और मान लीजिए नॉर्मल ने x एक्सिस को n पर काटा, मान लेते हैं नॉर्मल ने x एक्सिस को n पर काटा, तो ये जो PN लेंथ है यही कहलाती है लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या? PN। अब सब टेंजेंट सब नॉर्मल को समझ लीजिए पहले, फिर लेंथ निकालते हैं। P पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचो, P पॉइंट से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींचो, F मान लीजिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, F मान लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो FT ये कहलाती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और FN ये कहलाती है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। FT ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है और FN ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है। बिल्कुल ध्यान देंगे, जो टेंजेंट की परछाई है, जो टेंजेंट का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर वो सब टेंजेंट, और जो नॉर्मल का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर वो सब नॉर्मल। ये तो हो गई, ये तो मैंने आपको केवल समझाई क्या मतलब है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, लेंथ ऑफ नॉर्मल का, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का क्या मीनिंग है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आइए, अब ये लेंथ निकालते हैं। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मान लो ये एंगल अगर थीटा कह देते हो तो टेंजेंट की स्लोप कितनी हो जाएगी? टेन थीटा। टेंजेंट की स्लोप कितनी हो जाएगी? टेन थीटा, जिसको आप dy by dx at point P, भाई टेन थीटा आपको फटाफट पता हो जाएगा। क्यों पता हो जाएगा टेन थीटा फटाफट? टेन थीटा इसलिए फटाफट पता हो जाएगा क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे पता है? कर्व को डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट रख दीजिए, जैसे आप कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट रखेंगे आपको टेंजेंट का स्लोप पता। ओके, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो गया, ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा हो गया, ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली थीटा हो गया। अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कह दें तो ये लेंथ कितनी हो गई? वाई, ठीक है, पी एफ लेंथ कितनी हो गई? अब सब बच्चे ध्यान देखेंगे। चलिए, टेन थीटा यहां से लिख सकते हैं पी एफ अपॉन टी एफ, तो टी एफ हो जाएगा पी एफ अपॉन टेन थीटा, यानी वाई बाई एम। तो टी एफ यानी हमको सब टेंजेंट की लेंथ मिल गई। सब टेंजेंट की लेंथ कितनी? वाई बाई एम। मॉडुलस इसलिए लगा दिया क्योंकि आप लेंथ की बात कर रहे हैं और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉडुलस लगा दिया। यानी सब टेंजेंट की लेंथ निकालना बहुत आसान है, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, मिल गई सब टेंजेंट की लेंथ। आइए और देखेंगे बोर्ड पर,
ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान देखिए। अब पीटी लेंथ निकालने की इच्छा हो रही है, तो पीटी लेंथ निकालना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीटी लेंथ हो जाएगी पीएफ का स्क्वायर प्लस टीएफ का स्क्वायर। कैसे? अरे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पीएफ का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर और टीएफ का स्क्वायर वाई बाय एम का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग क्वाड्रेटिक बना के वाई बाय एम बाहर ले लें तो ये लीजिए मिल गई पीटी लेंथ। तो टेंजेंट की लेंथ होती है वाई बाय एम इंटू रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको टेंजेंट की लेंथ चाहिए तो आपको सिर्फ दो चीजें पता करनी है। कौन सी दो चीजें पता करनी है? वाई कोऑर्डिनेट एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर वाई कोऑर्डिनेट पता, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता, तो टेंजेंट की लेंथ पता। आइए यहीं पर आ जाइए इस ट्रायंगल के अंदर, इस छोटे से ट्रायंगल में दोबारा देखें, इस छोटे से ट्रायंगल में दोबारा देखें, यहां इस ट्रायंगल में देखें। अगर इस ट्रायंगल में देखें तो मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा इज पीएफ अपॉन एफएन। क्लियरली लिख सकता हूं, यानी cot थीटा इज पीएफ अपॉन एफएन, यानी एफएन निकल के आ गया पीएफ tan थीटा यानी वाई एम। एफएन यानी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, एम वाई का मॉड। कितना इजी है। और यहीं पर लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की लेंथ पीएन निकालना चाहते हैं तो पीएन आपके पास निकल के आ जाएगी रूट ऑफ पीएफ स्क्वायर प्लस एफएन स्क्वायर। यहां आ जाएगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर एम स्क्वायर, वाई रूट वन प्लस एम स्क्वायर। ये लीजिए, ये चारों लेंथ रटी हुई होनी चाहिए, ये चारों की चारों लेंथ बिल्कुल याद होनी चाहिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। कॉपी कर लें पहले इसको।